वेलकम फ्रेंड्स, आईपीएल एक ऐसा लीग है जिसे खतरनाक कैचेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको इतने खतरनाक फील्डिंग और कैचेस देखने मिलेंगे जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपीएल के टॉप बेस्ट कैचेस। तो इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और देखिए और बताइए कैच नंबर वन कौन सा है। नंबर वन ये मैच है राजस्थान वर्सेस सीएसके का। यहाँ पर सीएसके के बॉलर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर था और तभी एमएस धोनी ने बॉल दिया शार्दुल ठाकुर को। फिर क्या, शार्दुल ठाकुर ने एक तीखा बाउंसर बल्लेबाज को दिया और बल्लेबाज ने उसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद बॉल कुछ समय तक हवा में था और उसी का फायदा उठा के शार्दुल ठाकुर ने एक कमाल का कैच पकड़ा था। और ये कैच इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि ये बॉलिंग करते हुए इन्होंने कैच पकड़ा है और एक फास्ट बॉलर के लिए कैच पकड़ना कितना मुश्किल होता है, फिर भी इन्होंने एक हाथ से इस कैच को कम्प्लीट किया। नंबर टू ये मैच है राजस्थान वर्सेस पंजाब का, जहां पर राजस्थान पे ज्यादा प्रेशर रहता है और उनको बड़े बड़े सिक्स लगाने पड़ते हैं। फिर पंजाब के एक बॉलर ने कुछ इस तरीके से एक गुगली फेंकी और उस पर राजस्थान के बैटर ने कुछ इस तरीके से लंबा सा सिक्स लगाया। बॉल देखने के बाद तो यही लग रहा था कि भाई वो सिक्स ही जाने वाला है, लेकिन तभी वहां पर आ गए मयंक अग्रवाल और उनके साथी। उनके पार्टनर ने कितने अच्छे तरीके से बॉल को रिसीव किया और उसके बाद बाउंड्री लाइन से टच होने के पहले उसको कुछ इस तरीके से थ्रो कर दिया और फिर वो बॉल मयंक अग्रवाल के पास आ गया और इस कैच को पूरी तरह कंप्लीट किया। देखो ये कैचेस ज्यादा मुश्किल होते हैं जहां पर आपको सिक्स भी बचाने का है और बल्लेबाज को आउट भी करने का है, लेकिन पंजाब के इस खिलाड़ी ने इसे काफी स्मूथली किया। नंबर थ्री ये मैच है आरसीबी वर्सेस दिल्ली का, जहां पर विराट कोहली कमाल की बैटिंग कर रहे होते हैं लेकिन दिल्ली को उस समय विकेट चाहिए। तभी बॉलर का एक खतरनाक शॉट बॉल आता है जिसमें विराट कोहली एक कमाल का हिट मारते हैं। वो देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो छह पे जा रहा है, लेकिन विराट कोहली और सिक्स के बीच में आ जाते हैं ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट न्यूजीलैंड के एक बॉलर है। उस दिन हमें पता चल गया कि वो एक बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, जहां पर उन्होंने वह छह जाने वाली बॉल को कुछ इस तरीके से कैच कर लिया कि देखने के बाद ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाई ये रविंद्र जडेजा है कि ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि इतना स्मूथली कैच तो एक बेस्ट फील्डर ही लेता है। लेकिन फिर भी ट्रेंट बोल्ट ने अच्छा प्रयास किया और इस कैच को अच्छे तरीके से कम्प्लीट किया। नंबर फोर ये मैच है आरसीबी वर्सेस हैदराबाद का, जहां पर आरसीबी को काफी रन चाहिए थे जीतने के लिए। दीपक पड्डीकल अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं लेकिन तभी उनको वहां पर एक हैदराबाद की तरफ से एक शॉट गेंद मिलता है और उस पर वो शॉट लगाने की सोचते हैं, लेकिन जब वो शॉट लगाते हैं शॉट देखने के बाद ऐसा ही लग रहा था कि भाई वो सिक्स जा रहा है, लेकिन वहां पर फील्डिंग करते हुए हमारे राशिद खान ने क्या कमाल का कैच पकड़ा था। देखो राशिद खान एक कमाल के बॉलर और बैट्समैन भी हैं, लेकिन उस दिन के बाद हमें ये पता चला कि वो कमाल के फील्डर भी हैं। आप कैच को देखिए कितना बैलेंस होके और एक हाथ से कैच को कम्प्लीट किया है, जो कि देखने के बाद काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। बस फाइव ये मैच है मुंबई वर्सेस दिल्ली का। यहाँ पर मुंबई को विकेट चाहिए रहता है जीतने के लिए। फिर क्या था, कुणाल पांड्या आते हैं और एक कमाल की गुगली गेंद फेंकते हैं। उस गुगली पे मैक्सवेल क्या कमाल का शॉट लगाते हैं, लेकिन मैक्सवेल ये भूल जाते हैं कि वहां पर हार्दिक पांड्या खड़ा है और बॉल को बाउंड्री के पास जाने ही नहीं देगा। और तभी हार्दिक पांड्या ने नॉक नॉक किया और ये कमाल का कैच पकड़ा। यहाँ पर हार्दिक पांड्या का ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी बना, क्योंकि उन्होंने इतना स्मूथली इस कैच को पकड़ा था, उसके बाद इस कैच को सेलिब्रेट भी किया था। लेकिन ये आपको और हमें भी पता है कि ये कितना डिफिकल्ट कैच है, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई। नंबर सिक्स ये मैच है राजस्थान वर्सेज पंजाब का। यहाँ पर पंजाब के विकेट चाहिए रहता जीतने के लिए, क्योंकि सामने खड़े बल्लेबाज जिनका नाम है स्मिथ वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इस मुश्किल में सैम करन आते हैं बॉलिंग करने के लिए और एक कमाल का शॉर्ट बॉल देते हैं स्मिथ को खेलने के लिए। फिर क्या होता है, स्मिथ उसको अच्छा खासा शॉर्ट बॉल समझ के एक अच्छा खासा शॉट लगाने की सोचते हैं, लेकिन इस शॉट को विकेट में कंप्लीट करने के लिए केएल राहुल आ जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। केएल राहुल एक कमाल के विकेट कीपर हैं, लेकिन जब उनको आप फील्डिंग के लिए लगाओगे तो वो वहां पर भी अपना बेस्ट देंगे। नंबर सेवन ये मैच है हैदराबाद वर्सेज आरसीबी का। यहाँ पर आरसीबी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि हैदराबाद के बैट्समैन काफी ज्यादा इनको धोते हैं। फिर क्या था, मोइन अली को बॉल दिया जाता है और मोइन अली एक कमाल का स्लोअर डालते हैं। उस बॉल को हैदराबाद के बैट्समैन ने कुछ इस तरीके से मारा था कि भाई सभी लोगों ने सोच लिया था कि ये तो सिक्स ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद बीच में आ गए थे 360 यानी ए बी डिविलियर्स, जिन्होंने ऐसा कैच लिया कि वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, जिसे देखने के बाद खुद विराट कोहली शॉक हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो ए बी डिविलियर्स किस तरीके के खिलाड़ी हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर उनको बैटिंग करने बोलोगे तो वहां पर भी वो अपना 100% देंगे, कीपिंग करने के लिए बोलोगे तो वहां पर भी अपना 100% देंगे, और फील्डिंग की बात ही मत पूछो, प्रूफ आपके सामने है दोस्तों। तो चलिए ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने आपको टॉप बेस्ट कैचेज ऑफ द आईपीएल दिखाए। बाकी उन 7 कैचों में से आपका कौन सा फेवरेट कैच था ये मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना। दोस्तों क्रिकेट की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।